शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुलसी? हाँ माँ? तुलसी, तुम ठीक तो हो ना? माँ, हम ठीक ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे जो भी भ्रम थे वो दूर हो गए। हमें पता चल गया कि जो भ्रम हमें हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे और वो किसका प्रभाव था। और कौन था वो जो तुम्हारे साथ ये अधर्म कर रहा था? तुलसी, मुझे बताओ, उसे तो मैं बताऊंगी, वो भी अच्छी तरह से। माँ, कोई आदमी नहीं है, ग्रह है। राहु, 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 राहु की महादशा चल रही है हमारे ऊपर। राहु का प्रकोप? हरे रामा हरे कृष्णा, राहु की दशा तो बहुत मारक होती है, एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे 18 साल तक रहती है राहु की महादशा। और उसमें इंसान पागल भी हो जाता है सुमित्रा दीदी। मौसी, राहु की महादशा उन्हीं के लिए मारक होती है जिन्होंने जीवन में कभी पाप किया। पर यदि किसी ने ना पाप किए हो ना पाप करने के बारे में सोचा हो, उनके जीवन में राहु अधिक समय तक नहीं टिक सकता। तुलसी, तुम राहु के बारे में अभी नहीं जानती, एक बार यदि राहु कुंडली में घुस गया तो पूरा जीवन नरक कर देता है। मौसी, राहु केवल कर्मों का दंड दे सकता है, यदि आपने कोई ऐसे कर्म किए ही नहीं तो राहु आपका कुछ अहित नहीं कर सकता। सुमित्रा दीदी, तुलसी राहु की दशा को बहुत साधारण ले रही है, लेकिन मैं तुम्हें कह देती हूँ कि तुम इसे साधारण दशा में मत लेना। बड़े बड़े देवताओं को भी दोष लगा है राहु का। तो तुम ही बताओ कीर्तन, हम क्या करें? वो, हाँ, मैं ओझा जी के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बता सकते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी, तुम्हें अपनी चिंता तो है नहीं, पर हमें तो तुम्हारी चिंता है ना, बस हम यूं गए और यूं आए। हम आते माँ, अब आप मौसी की बातों से चिंतित मत हो जाइएगा, वो तो यूं ही बात का पतंगड़ बनाती है। नहीं तुलसी, राहु तो सूर्य और चंद्रमा पर भी ग्रहण लगा देता है। हम पर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारे साथ लड्डू गोपाल है। तुलसी के भक्ति के सम्मुख तुम्हारी महादशा भी निष्फल हो गई है। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा राहु, कि जिससे इस तुलसी को ना कोई भगवान बचा सके और ना ही उसकी भक्ति। उतना इस समय मैं तुलसी की कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हूं, और जब राहु किसी की कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होता है तब बनता है कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प दोष, ये तो मारक दोष है, इसमें तो जातक की मृत्यु निश्चित है राहु। सही कहा पूतना, जब इस कर्कोटक काल सर्पदोष के प्रभाव से देव ऋषि नारद और चक्रवर्ती सम्राट नल भी नहीं बच पाए तो फिर तुलसी क्या बचेगी। तो देर किस बात की राहु, पुकारो अपने काल सर्प को। हे मेरे कर्कोटक सर्प, प्रकट हो। प्रकट हो कर्कोटक सर्प, राहु को तुम्हारी आवश्यकता है। छीन लेगा प्राण शक्ति, छीन लेगा चेतना, विष से भी विनाशकारी वेदता है। हे कर्कोटक सर्प, संसार में जाओ और क्षण की प्रतीक्षा करो, जब तुलसी तुम्हारे स्वयं समीप आएगी और तुम्हारे विष का दंश ग्रहण करेगी। किंतु राहु, तुलसी उस सर्प के समीप जाएगी कैसे? उतना, जब राहु का काल सर्प दोष किसी के जीवन में आरंभ होता है तो फिर वो वही करता है जो राहु चाहता है। अब देवता भी तुलसी की रक्षा नहीं कर सकते।
भक्त लड्डू गोपाल भी तुलसी को मेरे काल सर्प योग के दंश से नहीं बचा सकते। तुलसी, मैंने सुना है कि राहु जब किसी पर पाप दृष्टि डालता है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए आज के बाद मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। पर माँ, अभी हम सोने जा रहे हैं। मैं सोते समय भी तेरे साथ में रहूंगी, क्या पता तुझे कब मेरी जरूरत पड़ जाए। सुमित्रा दीदी, क्या हुआ? आप हमेशा तो तुलसी के साथ नहीं रह सकती ना, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये क्या है? राहु रक्षा सूत्र। इससे तुलसी पर राहु की बुरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसी, हमारे पास हमारा राहु रक्षा सूत्र है, हमारे लड्डू गोपाल की भक्ति। तुलसी, अपने लिए ना सही पर मेरे लिए ये रक्षा सूत्र पहन ले। पर माँ, हम ठीक है, यदि आपकी खुशी इसी में है तो हम खुशी खुशी से पहन लेंगे। पहनाइए। तुलसी, कब तक सोओगी? नींद से जागो, क्योंकि अब राहु का कर्कोटक काल सर्प दोष तुम्हें डसने वाला है। तुलसी, अब तुम्हें राहु के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके भ्रम जाल तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तुलसी, तुमने लड्डू गोपाल के कहने पर बाणासुर का वध किया था, तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। तुलसी, जाओ करो अपने पापों का प्रायश्चित, भुगतो अपने कर्मों का दंड, जाओ। हमें अपने पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, अपने कर्म, अपने वध कर्म का दंड भुगतना ही होगा। हमने अधर्म किया है,
पाप किया है हमने, वध किया है हमने, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है, हमें अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा। हम पापी हैं। धर्म, भक्ति, कर्म, इन सबसे बड़ा है राहु का कर्कोटक काल सर्पदोष। इससे न कभी कोई बचा है और ना ही कभी बचेगा। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।